नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि फैमिली अच्छी होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महाभारत का युद्ध द्वापर युग में लड़ा गया और महर्षि वेद व्यास ने इस पूरी घटना को संस्कृत महाकाव्य का रूप दिया। इस महाकाव्य में कई सारे प्रेरणादायक कहानियां शामिल हैं। ये कहानियां बच्चों को कर्म और धर्म का पालन करना सिखाती हैं। महाभारत की कथा में कई सारे महान पात्र हैं जिससे बच्चों का मार्गदर्शन हो सकता है, जैसे कि वीर अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और दानवीर कर्ण और धर्मराज युधिष्ठिर और महात्मा विदुर जैसे महान पात्र हैं। इस महाभारत की कथा में कई सारी घटनाएं ऐसी हैं जो हमें काफी शिक्षा और प्रेरणा देती हैं। यदि अगर इसके द्वारा आप अपने बच्चों को महाभारत की कथाओं के बारे में अगर सुनाते हैं तो बच्चों को भारत के इतिहास और भारत की संस्कृति के बारे में पता चलेगा और कैसे भगवान श्री कृष्ण के निर्देश द्वारा अर्जुन ने जो निर्णय लिए महाभारत के युद्ध में और जो रणनीतियां उसने ली उसके दौरान बच्चों में एक निर्णय लेने का विकास विकसित हो सकता है यदि बच्चे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को सुनते हैं। क्योंकि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के माध्यम से आप बच्चों में ईश्वर के प्रति आस्था भी पैदा कर सकते हैं। तो आज एक ऐसी ही कहानी महाभारत की, परीक्षित नाम के बेटे के कैसे जन्म हुआ, वो कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद वो कहानी हमें बहुत कुछ हमारी सिखाती है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, यानी महाभारत के युद्ध के समय जब द्रौपदी को ये पता चला कि अश्वत्थामा ने उसके पांचों बेटों की हत्या कर दी, तो उसी वक्त द्रौपदी ने अनशन की ठान ली और प्रण लिया कि जब तक वो अश्वत्थामा के गले में पड़ी मणि को अपना नहीं लेती तब तक वो अपना अनशन नहीं तोड़ेगी। फिर जैसे ही अर्जुन को इस बारे में पता चला तो अर्जुन तुरंत अश्वत्थामा से युद्ध करने के लिए निकल पड़े और इस दौरान दोनों में बहुत भयंकर और भीषण युद्ध हुआ और देखते ही देखते अश्वत्थामा ने अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जैसे ही अर्जुन ने ये देखा कि अश्वत्थामा उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं तभी अर्जुन ने अपने बचाव में भी ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। इसी दौरान वहां पे नारद और ऋषि व्यास आ जाते हैं जो कि दोनों को मना करते हैं कि आप युद्ध के दौरान ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी दौरान अर्जुन ब्रह्मास्त्र को वापस ले लेते हैं लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि अश्वत्थामा पांडवों के कुल को पूरी तरीके से नष्ट करना चाहता था। इसलिए उसने अपने ब्रह्मास्त्र का जो दिशा थी वो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो कि गर्भवती थी उसकी तरफ उसकी दिशा कर दी थी। इसी दौरान वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो कि एक परीक्षित नाम के बेटे को जन्म देगी और उसका यदि अगर वो बच्चा मरा हुआ होता है तो मैं उसको जीवन दान दूंगा क्योंकि वो आगे चल के एक महान सम्राट बनेगा और तुम 3000 वर्ष तक इस पाप को धोते रहोगे और तुम्हारे खून में से बदबू आएगी और तुम जिंदगी भर यानी आजीवन बीमारियों से ग्रस्त रहोगे। उसके बाद में अर्जुन अश्वत्थामा को रस्सियों से बांध लेता है और सीधा द्रौपदी के पास लेकर जाता है। जब द्रौपदी अश्वत्थामा को उस हालत में देखती है तो द्रौपदी को उनके ऊपर तरस आ जाता है और वो अर्जुन को बोलती है कि इसको खोल दें लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते हैं। वो अर्जुन को निर्देश यानी आदेश देते हैं कि अश्वत्थामा के गले में पड़ी मणि को निकाल लें और द्रौपदी को दे दें। उधर जो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा वो बालक को जन्म दे देती है लेकिन अश्वत्थामा द्वारा जो ब्रह्मास्त्र होता है वो उनके गर्भ में जाकर घुस जाता है जिस दौरान उत्तरा को बहुत ज्यादा दर्द होता है और उसी दौरान वो अपने बालक को जन्म देती है जो कि मृत होता है। उसके बाद में वो रोने लगती है और रोने के बाद में वो भगवान श्री कृष्ण को बोलती है नारायण आपने तो मेरे बालक के लिए बोला था कि ये इसको जीवन दान मिलेगा और ये तो मृत हुआ है। लेकिन जब ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में जा रहा था तभी भगवान श्री कृष्ण अपना एक छोटा रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और एक अंगूठे के बराबर वो अपना रूप धारण करते हैं और सुदर्शन चक्र उनके हाथ में होता है। लेकिन जब वो उनकी गर्भ में प्रवेश कर रहे होते हैं तभी जो उनकी गर्भ में जो बच्चा होता है उत्तरा के वो भगवान श्री कृष्ण को देखकर आश्चर्य चकित हो जाते हैं कि मेरी माँ की गर्भ में ये कौन है। क्योंकि जो ब्रह्मास्त्र होता है उसकी जो आग होती है भगवान श्री कृष्ण उस आग को ठंडक मतलब बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठंडक दे रहे होते हैं। उसी दौरान वो बालक जन्म दे देता है। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण बाहर आते हैं और आने के बाद में जो अभिमन्यु की पत्नी होती है वो बोलती है भगवान श्री कृष्ण से नारायण आपने तो ये बोला था कि मेरा बालक जीवित होगा लेकिन यहाँ पे तो वो मृत हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, वो जो बालक है वो उसको जीवन दान मिलेगा और जीवन दान मैं दूंगा उसको, मैंने उसकी सुरक्षा करी है, उसकी रक्षा करी है। यदि मैंने अपने जीवन में किसी के साथ गलत नहीं किया और मैं कभी लड़ाई में पीठ दिखा के नहीं भागा, धर्म का साथ दिया, अधर्म का खिलाफ हमेशा खड़ा रहा,
तो इस बच्चे को जीवन दान मिलेगा। और ऐसा कहते हुए नारायण अपनी अमृतनीय आंखों से उस बच्चों की आंखों पे मिलाते हैं और हाथ रखते हैं, तभी उस बच्चे की किलकारियां शुरू हो जाती हैं। और जहाँ पे इतनी सारी स्त्रियां होती हैं वो सब देखकर आश्चर्यचकित रह जाती हैं ये चमत्कार देखकर। उसके बाद में थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर भी आ जाते हैं, और आने के बाद में वो बहुत खुश होते हैं, और खुश होने के बाद में वो पूरे कुल में बहुत सारा दान करते हैं, गाय बैल भैंस वगैरह दान करते हैं, शफिया दान करते हैं। उसके बाद में वहाँ पे एक पंडित जी को बुलाया जाता है, ज्योतिष को बुलाया जाता है, जिसके बाद में उस बच्चे की भविष्यवाणी होती है। तो भविष्यवाणी के दौरान उसके बारे में ये पता चलता है ज्योतिषी से कि ये बच्चा जो है आगे चल के भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त बनेगा, और आगे चल के गंगा तट के किनारे एक ऋषि से इसको एक पाप लगेगा, लगने के बाद में उसी ऋषि से इसको एक जीवन ज्ञान मिलेगा और आगे चल के एक महान सम्राट बनेगा। और उसी ही दौरान, क्योंकि उस जो प्रतिशत नाम का जो बालक था उसका जन्म होना था, क्योंकि उसको स्कूल को बचाना था, तो ये कहानी हमें एक बहुत शिक्षा देती है कि बुरे काम के जो अंजाम होते हैं वो हमेशा बुरे ही होते हैं। जो महाभारत की ऐसे यानी कितनी घटनाएं और कहानियां हैं, कथाएं, जो हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।